हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। आज हम लोग कम्बेट जो कंट्रोल का क्वेश्चन नंबर जो 2 था उसके सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो कम्बेट कंट्रोल गेट 2019 एंड 20 के लिए जो हमारा डिस्कशन चालू है, इसमें मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया था कि ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ये गिवन है, एस स्क्वायर प्लस 6s प्लस 10 और एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2, और एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना था, और ये ऑप्शन से, और मैं आपको एक ऑप्शन जो दिया था, एक मैं आपके पास एक और ऑप्शन लिख दिया था, नॉन ऑफ द एबो। एक्चुअली जो क्वेश्चन है ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन का क्वेश्चन है, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच का क्वेश्चन है, और उसमें 4 ही ऑप्शन थे, जो 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग आप आंसर दिए, मैं बोला भी था कि नाम नाम सब तो नहीं करूँगा लास्ट में, अब एक साथ मैं बोला क्योंकि लास्ट में एक साथ ही करेंगे जब पूरा कम्बेट जब कम्प्लीट हो जाएगा उसके बाद ही। तो जो लोग के रीजनिंग थे, अगर मैं उनकी बात करूँ तो कुछ लोगों का रीजनिंग था कि सर इसमें के नहीं लिखा हुआ है, और के अगर नहीं लिखा हुआ है तो फिर सर के की वैल्यू तो 1 हो गई, और के की वैल्यू 1 हो गई तो सी एल टी एफ के जो पोल्स होंगे जिसके कारण रूट लोकस बनता सर वही वेरी नहीं करेंगे, तो फिर कैसे रूट लोकस का डायग्राम कैसे बनेगा, तो स्टैटिक सिस्टम हो गया। गुड कंसेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये जो भी आप रीजनिंग दिए आपके पास ये कंसेप्ट गुड है। अब आपके पास जब भी हम रूट लोकस की बात करते हैं तो जो सिस्टम गेन होता है के इज वेरिएबल फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, और उसकी वैल्यू को वेरी कर करके हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट, दैट मीन द क्लोज सिस्टम के जो पोल्स है वो फाइंड आउट करते हैं, और वही रूट लोकस डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। तो अब के तो 1 था आपके पास, तो आपका जो रीजनिंग था कि के की वैल्यू 1 है तो स्टैटिक सिस्टम है और उसका रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यस अगर के की वैल्यू 1 है तो रूट लोकस डायग्राम एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बट आपको अगर मैं बता दूं कि एग्जाम में ये 4 ही ऑप्शन है, ये नन ऑफ द एबो जो है ये तो मैं ऑप्शन में दिया, तो वो लोग ऐसा कभी भी नहीं करते आपके पास कि के की वैल्यू आपके पास 1 लिख देंगे और नन ऑफ द एबो लिखेंगे, क्योंकि के की वैल्यू 1 होगी तो फिर नन ऑफ द एबो हो जाएगा क्योंकि रूट लोकस एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ऑप्शन में नहीं था, ये मैं एक्स्ट्रा किया था, आपका रीजनिंग गुड है। ऐसा 2-3 बार हो चुका है गेट के पेपर में कि वो लोग के को मिस कर दिए, क्यों के को मिस कर दिए, क्योंकि उस केस में ना वो लोग सिर्फ और कुछ पैरामीटर उनको चाहिए था तो मिस कर दिए। इलेक्ट्रॉनिक्स को भी एक क्वेश्चन आया है आपके पास, जैसे मेरे पास क्वेश्चन लिखा भी होगा कि ये अगर मैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स 2014 की बात करूँ सेट नंबर 3 में, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन थे और एक रूट लोकस का फिगर था, और चारों ऑप्शन में के की वैल्यू मिसिंग थी जबकि के होना चाहिए था 4 ऑप्शन में। ये जो है ये गेट इंस्ट्रूमेंटेशन 2015 का क्वेश्चन है और इसमें भी के मिसिंग है। तो कभी कभी ऐसा हो सकता है आपके पास कि आप एग्जाम दे रहे हो ना, तो आपको जितना भी मैं डिस्कशन रखा हूँ इस पॉइंट पे रखा हूँ कि आपको क्या क्या चीज़ समझना है। तो आप अगर एग्जाम में हो और एग्जाम अगर दे रहे हो और आपको दिख रहा है कि अरे के तो मिसिंग हो गया, के तो होना चाहिए था यहाँ पे, तो उसके लिए वरी ना करें। इसका मतलब है कि उनसे के मिस हो गया, आपको एंगल ऑफ अराइवल निकालना है, 4 ऑप्शन दिए तो एंगल ऑफ अराइवल हम फाइंड आउट करेंगे, है ना। अदरवाइज अगर ऐसे डिस्कशन की बात करें तो के की वैल्यू फिक्स नहीं हो सकती, और के अगर 1 फिक्स हो गया तो स्टैटिक सिस्टम हो गया जिसका रूट लोकस डायग्राम आप ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक के वेरी नहीं होगा, तो रूट लोकस डायग्राम कैसे वेरी करेंगे, ठीक है। तो रूट लोकस डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि के वेरी करे, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट के है, लेकिन के ना हमारे एंगल को इफेक्ट नहीं करता है, एंगल ऑफ डिपार्चर को इफेक्ट नहीं करता है, एंगल ऑफ अराइवल को इफेक्ट नहीं करता है। तो एंगल ऑफ अराइवल हो चाहे एंगल ऑफ डिपार्चर हो, के इफेक्ट नहीं करता, इसलिए उनसे गलती हो गई और वो के नहीं लिखे, ठीक है। तो इतनी बिग मिस्टेक अपन नहीं मानते कि उनसे इतना बिग मिस्टेक हो गया। अगर ये 4 ऑप्शन है, अगर एग्जाम हम दे रहे हो और ये 4 ऑप्शन है, तो फिर अपन एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करके उनको दिखाएंगे, ठीक है। अब आप मेरे वीडियो तो देख चुके होंगे एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल का। अब एंगल ऑफ अराइवल और एंगल ऑफ डिपार्चर का अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपको ये बात पता है कि एंगल ऑफ अराइवल जो होता है आपके पास वो कॉम्प्लेक्स 0 के लिए होता है, उसका रिजल्ट होता है 180 डिग्री प्लस 5, ये एंगल ऑफ अराइवल का रिजल्ट है। एंगल ऑफ डिपार्चर का जो रिजल्ट होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स के लिए फाइंड आउट करते हैं और वो होता है 180 माइनस 5, इतना आपके पास। हमसे अराइवल पूछा था, हम अराइवल निकालेंगे, डिपार्चर और अराइवल का रिजल्ट होता है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर किसके लिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, एंगल ऑफ डिपार्चर कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के लिए। एंगल ऑफ अराइवल किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0 के लिए, कि जो पोल होगा वो कितने एंगल से अराइव होगा नियर कॉम्प्लेक्स 0। ऐसी बात करते हैं, मैं तो वीडियो जो आपको दिया हूँ अभी मैथ्स की बात कर रहा हूँ मैं। एंगल ऑफ अराइवल हमको फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले क्या इंपॉर्टेंट है कि हमको इसके रूट्स निकालना होगा, रूट्स निकाल के पोल 0 डायग्राम बनाना होगा। तो आपको एग्जाम में कैसे करना होता है, फास्ट आपको रूट लोकस अगर आपको ऐसे एंगल ऑफ डिपार्चर है अराइवल निकालना है तो आपको रूट्स निकालना है। इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं, देखो इसके अगर मैं रूट्स की बात करूं कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो आपको रूट्स वाला पार्ट बहुत अच्छा आना चाहिए, और आप वैसे भी वर्चुअल कैलकुलेटर आपके पास रहता है तो फिर आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत फास्ट होना चाहिए। बी स्क्वेयर किए तो कितना हो गया, 4 आ गया, माइनस 4ac किए आपके पास तो ये 8 आ गया, डिवाइड बाई 2 किए तो ये आ गया माइनस 2 प्लस माइनस j2 डिवाइड बाई 2 तो ये आ गया माइनस 1 प्लस माइनस j1।
इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल माइनस वन प्लस माइनस जे वन है। और अगर मैं बोलूँ कि चलो एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस टेन को अपन सॉल्व कर लेते हैं, जैसा आप देख लेना एस स्क्वायर प्लस सिक्स एस प्लस टेन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, इसके जीरोस निकाल रहे, तो एस की वैल्यू क्या होगी, माइनस सिक्स प्लस माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 36 माइनस 4 ए सी दैट मीन द 40 डिवाइड बाई 2 ए दैट मीन द 2, तो एस की वैल्यू आ गया माइनस सिक्स प्लस माइनस जे माइनस 4 अंडर रूट माइनस माइनस 4 मतलब प्लस माइनस जे, ये 2 आ गया क्लियर, और ये आपके डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया माइनस 3 प्लस माइनस जे 1, माइनस 3 प्लस माइनस जे 1 ये आ गया कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट 0। आपको करना क्या है, आपको पोल जीरो डायग्राम के लिए बहुत अच्छे से पोल जीरो डायग्राम इसलिए बनाना है क्योंकि ग्राफिकली कैलकुलेट होता है एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल। माइनस 1 प्लस माइनस जे 1 जो है वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल से, तो माइनस 1 ये ले रहा हूँ, जे 1 ये ले रहा हूँ, तो देखो माइनस 1 और जे 1 ये बन गया, माइनस 1 प्लस माइनस जे 1 ये कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स बन गए। इसका इमेजनरी पार्ट जे 1, इमेजनरी पार्ट माइनस जे 1 और रियल पार्ट इज माइनस 1 ये, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस का है माइनस 3 पे और प्लस माइनस जे 1 है, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस आपके पास यहाँ रखे हुए, ये मान लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस रखे, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरोस में ना इमेजनरी पार्ट सेम है माइनस प्लस माइनस जे 1, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा दिख रहा है आपको, और ये माइनस 3 इसका रियल पार्ट है और इसका इमेजनरी पार्ट प्लस जे 1 है, इमेजनरी पार्ट माइनस जे 1 है, ठीक है, ये आपके पास बन गया। इसका मतलब ये दो देखो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल से, दो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जीरो से। अब एंगल ऑफ अराइवल आपको निकालना है, तो एंगल ऑफ अराइवल सपोज करो आप इस वाले पॉइंट के लिए निकालना चाहते हो, इस वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ अराइवल फाइंड आउट करना चाहते हो माइनस 3 प्लस जे 1 के लिए। अगर माइनस 3 प्लस जे 1 के लिए निकालना चाहते हो एंगल ऑफ अराइवल, तो अब ध्यान से देखना कि आपको तीन एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे, थ्री एंगल्स, दो पोल्स के कारण एक जीरो के कारण। मैं हमेशा बोलता हूँ वर्टिकल जो अपवर्ड होता है, आप इस जगह पे हो, आपके जस्ट ऊपर जो एंगल होगा 90 होगा, इसका मतलब है कि ये एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, ये वर्टिकल अपवर्ड है। आप जिस जगह पे होते हो उसके राइट साइड में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री, उसके लेफ्ट साइड में एंगल कितना होता है, अगर आप सेम एक्सिस में हो तो आपके लेफ्ट साइड में एंगल कितना होगा 180, राइट साइड में कितना होगा 0 डिग्री, मतलब इस पोल के लिए एंगल कितना हुआ 180, और ये इंपॉर्टेंट है 180 डिग्री। अगर आपको ये एंगल निकालना है तो आपको पता है इसके ऊपर 90 होगा, इसके इस साइड में 180 होगा, इसका मतलब ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, और इसका अगर आप एंगल चाहते हो तो ये होता है 180, ये होता है 90, तो ये 180 और 90 के बीच में आएगा, और 180 और 90 के बीच में जब आप एंगल फाइंड आउट करते हो तो ये एंगल होता है 180 माइनस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। वाई कितना है, ये डिस्टेंस कितना है, वाई माइनस वन से प्लस वन, ये डिस्टेंस कितना है 2, और अगर एक्स की डिस्टेंस की बात करें तो देखो ये डिस्टेंस भी 2, ये डिस्टेंस 2 आपके पास वाई की वैल्यू, ये एक्स की वैल्यू भी 2, तो टेन वर्स वाई बाई एक्स कितना हो गया, तो टेन वर्स वाई भी 2, एक्स भी 2, तो टेन वर्स 145 हो गया, और 180 माइनस 45 तो 135 हो गया। इसका मतलब इस पोल, ये जो पोल एंगल बनाएगा 135 है, ये जो पोल एंगल बनाएगा 180, और ये जो जीरो एंगल बनाएगा 90 है। अब होता क्या है कि आपके पास एंगल ऑफ अराइवल जब आप बोल रहे हो कि 180 प्लस 5 है, अब 5 का रिजल्ट क्या होता है, 5 का रिजल्ट होता है जो पोल्स के कारण एंगल बनेगा, जो जीरोस के कारण एंगल बनेगा, उनका जो समेसन है उसके कारण हम लेते हैं, समेसन 5 पी लिखा हमें, कितने पोल से, दो पोल से, चलो दोनों एंगल को लिख लो आपके पास दो पोल से, एक एंगल 180 है, सम करना है आपको, और एंगल 135 है, देखो ये आ गया पोल्स के कारण, जीरोस के कारण एंगल तो सिर्फ 90 आ रहा है, जीरोस के कारण एंगल सिर्फ 90 आया, तो 5 की वैल्यू कितना हो गया, 180 प्लस 135 और 90, तो 180 और में से 90 गया तो 90 बचा, और 135 में से तो 225 आ गया आपके पास, देखो ध्यान से 180 प्लस 135 और माइनस 90, इतना आपको दिख रहा है, तो 5 की वैल्यू जो आ गया वो 225 आ गया, दिख रहा है, अगर 5 की वैल्यू 225 आ गया तो एंगल ऑफ अराइवल कितना आ गया 180 प्लस 225, 180 प्लस 225, 180 प्लस 225 अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो 225 में 100 ऐड किए तो 325 आपके पास अगर आ रहा है तो लगभग आपके पास 325, तो 180 और 20 अगर आपके पास कम कर दे रहे हैं, आपके पास 200 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो 425 होगा, 425 में और 20 कम कर दिए तो 405 डिग्री आ रहा है। इसका मतलब एंगल ऑफ अराइवल का जो आंसर है वो ऊपर वाले के लिए, ऊपर वाले जो टर्म्स है माइनस 3 प्लस जे 1 के लिए एंगल ऑफ अराइवल आ रहा है 405, और एंगल ऑफ अराइवल दूसरे वाले के लिए आएगा माइनस 3 माइनस जे 1 के लिए आएगा माइनस 405, तो आपका आंसर हुआ एंगल ऑफ अराइवल माइनस 3 प्लस माइनस जे 1 के लिए प्लस माइनस 405 डिग्री। अब बात ये हो रही कि भाई चारों ऑप्शन में से 405 डिग्री आपको कहीं नहीं दिख रहा है, 405 आपके पास डिग्री नहीं दिख रहा, तो ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए फ्रेम किया, इसलिए आप के नहीं दिया था वो मिस्टेक हो गया, के उनको लिख देना चाहिए था। ये क्वेश्चन किस लिए फ्रेम हुआ कि कोई अगर बहुत अच्छे से सॉल्व करेगा तो उसका एंगल ये आएगा, जैसे आप देख रहे हो ये एंगल आपके पास आ गया 405। अब आपको ये पता होना चाहिए जैसे इसका 405 आया तो 405 कोऑर्डिनेट में कहाँ होता है, देखो ये 0 होता है, ये 90 होता है, ये 180 होता है,
देखो ध्यान से, 270 होता है एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते जा रहा हूं, ये 360 होता है, ये 450 होता है। तो ये 360 और 450 के बीच में होगा, इसका मतलब तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया, ये जो एंगल है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ गया। इसका मतलब 405 जो होता है फर्स्ट कोऑर्डिनेट का एंगल, अगर पूरा कोऑर्डिनेट में घूमोगे। और आपको कभी भी आपको अगर एंगल को अगर लिखना है तो आप किसी भी एंगल में 360 ऐड कर सकते हो, एंगल विल बी सेम। किसी भी एंगल में से 360 माइनस कर सकते हो, एंगल विल बी सेम। इसका मतलब है कि देखो 405 ना 360 में से कितना आप ऐड करोगे कि 405 आ जाए, तो ये 45 ऐड करने से आ जाएगा। इसका मतलब है ये आ रहा है आपके पास जो 45 एंगल जो आप बोलते हो, ये 45 एंगल और ये 405 एंगल सेम होगा। और अगर आपको किसी को देखना है तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो एंगल आप अराइवल 405 आ रहा था, इसमें से 360 माइनस कर दो। किसी भी एंगल में से 360 ऐड या सबट्रैक्ट करने से एंगल में कुछ इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि 360 ऐड करने से भी सेम जगह होती है, 360 सबट्रैक्ट करने से भी सेम जगह होती है। देखो सबट्रैक्ट कर दिया तो एंगल ऑफ अराइवल ना 45 डिग्री आ गया। किसके लिए 45 डिग्री आ गया? ऊपर वाले पॉइंट के लिए जो कि -3+J1 था। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, एंगल ऑफ अराइवल -3+J1 के लिए जो 405 मिल रहा था वो 45 है। आप 360 माइनस करो 45 मिल जाएगा। दूसरे वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ अराइवल -3 -J1 के लिए -45 हो गया। तो आंसर कितना हो गया आपके पास? एंगल ऑफ अराइवल फॉर द कॉम्प्लेक्स 0 -3 +J1 के लिए आंसर हो गया +-π/4, दैट मीन द +-45 डिग्री। ये आपके पास आंसर आ गया। तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम पे बेस्ड था कि कोई 405 या -405 को समझता है कि नहीं, कि 360 से ज़्यादा अगर हो रहा है तो आप 360 माइनस कर दो। तो आप ना आराम से चीज़ों को देख सकते हो। तो किसी को ना कोऑर्डिनेट सिस्टम बहुत अच्छा आना चाहिए। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम का कंसेप्ट जो है वो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम को कैसे डील करते हो। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम के अकॉर्डिंग 405 45 डिग्री होता है, -405 -45 डिग्री होता है। तो एंगल ऑफ अराइवल फॉर दिज कॉम्प्लेक्स 0 इज इक्वल टू +-45 डिग्री। तो +-45 डिग्री आ गया, ये वाला पार्ट, ये इस वाली चीज पे ए आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर ए था। ठीक है, के नहीं था, उनकी मिस्टेक थी कि के नहीं दिए, बट एग्जाम के अकॉर्डिंग जो आंसर था वो ये था। वो लोग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के लिए भी पूछ सकते थे, अगर वो चाहते तो वो इसके लिए भी पूछ सकते थे कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, वो ये भी पूछ सकते थे। अगर सोचो कि एंगल ऑफ डिपार्चर अगर मैं कैलकुलेट करूँ, एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ मैं आपके लिए, कि अगर एंगल ऑफ डिपार्चर की अगर वो बात करते, क्योंकि आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होना चाहिए। अब एंगल ऑफ डिपार्चर इस क्वेश्चन में पूछा जा सकता था क्योंकि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स है। तो एंगल ऑफ डिपार्चर अगर पूछते तो क्या होता आपके पास? एंगल ऑफ डिपार्चर अगर पूछते, और उस वाले पॉइंट्स के लिए मैं बना रहा हूँ, ध्यान देखना, थोड़ा सा टाइम लगेगा आपके पास एक्स्ट्रा बात करने के लिए, लेकिन आपके कंसेप्ट आपको एडवांटेज बहुत होगा, क्योंकि आपको अपने कंसेप्ट को बहुत बेस्ट रखना है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता होना चाहिए। एग्जाम में जो जो क्वेश्चन आपको पूछा गया उसके सिवा आप एक्स्ट्रा बात हमेशा करने पे बिलीव करो। आप हमेशा ये भी देखो कि अगर क्वेश्चन में एंगल ऑफ डिपार्चर अगर वो लोग पूछ लेते तो क्या हम एंगल ऑफ डिपार्चर नहीं कैलकुलेट करते, एंगल ऑफ डिपार्चर भी कैलकुलेट कर लेते। क्वेश्चन गुड इसलिए है क्योंकि सब कॉम्प्लेक्स है। अब सोचो मेरे को एंगल ऑफ डिपार्चर -1+J1 के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर पूछ लेते हो लोग, या -1+J1 और -1 -J1 के लिए एंगल निकालना है, कितना एंगल होता? देखो इसके लिए एंगल कितना होता, 90। गुड है। आपके राइट हैंड साइड के लिए पता है ये एंगल कितना होता है? अगर मैं ऐसा पॉइंट बना रहा हूँ, ये एंगल कितना है पता है? 0 डिग्री। आपके राइट साइड सेम एक्सिस में जब आप राइट साइड देखते हो तो 0 होता है, लेफ्ट देखते हो तो 180 होता है। इस 0 के लिए इस पोल का एंगल जो है वो है 0 डिग्री। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ये कितना होगा आपके पास? देखो ये 90, ये 0 डिग्री, इसका मतलब फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एंगल टेनवर्स y/x होता है। ये आपके पास 2 है, ये आपके पास 2 है, क्योंकि -3 का पॉइंट है। ये सिर्फ 45 डिग्री है, ये 45 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं फाई निकालने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना, फाई निकालने अगर जा रहा हूँ समेसन फाई जेड, तो फाई पी की वैल्यू कितना होगा? इस पोल के लिए हम निकाल रहे हैं तो इस पोल का एंगल 90 हो गया, तो चलो 90 लिख लो, माइनस ये 2 0 का एंगल लिख लो, ये तो भाई 45 है। ये कितना है? 45 फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जब भी आप डायगोनली ऐसे देखते हो तो 45 होता है, क्योंकि 0 और 90 के बीच में 45 होता है, और इसका एंगल तो 0 आ गया, 45 + 0 ये आपके पास आ गया। तो फाई की वैल्यू कितना आ गया? 90 - 45 45 डिग्री आ गया, ये फाई की वैल्यू है। एंगल ऑफ डिपार्चर विल बी, तो एंगल ऑफ डिपार्चर 180 - 45, तो 180 - 45 के तो कितना आ रहा है आपके पास? तो ये आ गया 135। तो एंगल ऑफ डिपार्चर ये आ रहा है। दूसरे वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर अगर ये 135 है तो इस वाले पॉइंट के लिए -135 होगा। तो आंसर विल बी +-135। और +-135 अगर मैं बोलूँ, ये 30 हो रही है आपके पास, 135 तो 150 हो रहा है, और कोई 135 का ऑप्शन था नहीं था, तो +-135 आपके पास ही आंसर हो सकता है। इतना आपको देखना चाहिए। तो π/4 आपके पास 45 होता, 45 × 3 तो 3 +-3 π/4,
प्लस माइनस 3π/4 45 × 3, तो 45 × 3 दैट मीन्स 135 ना, 90 और 45 ठीक है, तो प्लस माइनस 3π/4 आंसर हो सकता था इस क्वेश्चन का अगर वो एंगल ऑफ डिपार्चर पूछते. तो आपको एक्स्ट्रा बात करना चाहिए, आपको एक ही क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें निकालना चाहिए. आप एक ही क्वेश्चन से ज़्यादा चीज़ें कलेक्ट करोगे तो चीज़ें बहुत अच्छी फॉर्म में होगी, बेस्ट फॉर्म में होगी, आपको मज़ा आएगा, जितना अच्छा हो सकता है. ऐसे कंसेप्ट आपको अप्लाई करते आना चाहिए. बहुत सारे लोगों का आंसर प्लस माइनस 45 डिग्री जो लोग दिए थे इज गुड, नो प्रॉब्लम, ठीक है. कई लोगों को लगता था कि सिस्टम स्टैटिक है क्योंकि के नहीं दिया, अगेन गुड, आपको अच्छा खासा आइडिया है. तो आपको ओवरऑल एक गुड आइडिया होना चाहिए. तो मैं एक क्वेश्चन लिया, इसमें आपको एंगल ऑफ डिपार्चर और अराइवल दोनों कैलकुलेट करके बता दिया, तो आपके पास एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ गया. तो जितने लोग भी सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जितने लोग भी किसी कोचिंग गोइंग स्टूडेंट्स होंगे, कोचिंग में पढ़ रहे होंगे, वो लोग कलेक्ट करें ऐसी चीजें कि ज्यादा से ज्यादा चीजें आप कलेक्ट करके रखते जाओ, तो आपको डिस्कशन में मजा आएगा. और ऐसे में डिस्कशन करते रहूंगा तो आपको ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स मिलते रहेंगे, अपने पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, ठीक है. तो आई होप कि आपको चीजें क्लियर भी हुई होगी और आपको मजा भी आया होगा जितना मैं डिस्कशन किया, ठीक है. आप बस कमेंट्स में बस कनेक्टेड रहिए, कमेंट्स में अपनी बात रखते रहिए, कमेंट्स में बताते रहिए. जितना ज़्यादा अच्छा खासा कनेक्शन होगा, जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा लाइकिंग होगी, तो ये सब अच्छा कनेक्शन होगा. ये एक सोशल मीडिया के लिए इंपॉर्टेंट होता है कि अगर आप अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको मजा आ रहा है और आप चीज़ों को शेयर कर रहे हो, हम लोग भी कंसेप्ट देते जा रहे हैं, तो जो ये दोनों साइड से जो म्यूचुअल होगा, इसका एडवांटेज मिलेगा आपको भी हमको भी, तो दोनों ही पार्ट से अच्छा होगा, ठीक है. तो चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ. ओके, थैंक यू.